बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम की मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे सबसे पहले जो नात पढ़ी गई वो हज़रत हसान बिन साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंसारी ने पढ़ी थी। अंसारी ही थे जो आपके सामने बैठते थे, आपकी कुर्बत में बैठते थे, आपकी कुर्बत से सीखते थे, आपकी कुर्बत से समझते थे। आज हम छोटे बड़े एक ही सफ में खड़े होके ऐसे ही दुरूद व सलाम की सजाएं अपने आका पे पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उन्होंने आज हमें ये तौफीक बख्शी। तो मैं तमाम अपने अहबाब से गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग अपना जो आका से मोहब्बत है उसका नजराना लेके अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मिलकर हम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन की सदाएं बुलंद करेंगे। मैं पहली दफ़ा अंसारी से मुलाकात कर रहा हूँ। असल में मैं हूँ जनूबी वज़ीरिस्तान का, जनूबी वज़ीरिस्तान में कानपुरम शहर का। कानपुरम शहर में अंसारी कौम जो आबाद हुई है मौलाना इब्राहिम दानिशमंद अंसारी। मौलाना इब्राहिम दानिशमंद अंसारी मदीना से आए बोखा, बोखा से फिर आए बहुद्दीन ज़करिया मुल्तान वाला के साथ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने फिर इसको खुरासान भेजा। खुरासान में उससे बहुद्दीन ज़करिया ने उसको फरमाया अगर आपकी उधर सेटिंग ना हो जाए तो वापस आ जा मदीना चला जाए। तो उसने उधर उधर उसके लोगों के साथ उसकी सेटिंग हो गई, उधर उसने उम्र गुजारा, उधर से फिर वो खुरासान से ये आ गया कानपुरम। मौलाना इब्राहिम दानिशमंद, मौलाना इब्राहिम दानिशमंद हमारे कुछ लोग इंडिया के जलंधर में भी हैं अंसारी को, कुछ इंडिया के जलंधर में, कुछ कानपुरम में है, कुछ लाहौर में भी हैं। हमारे कौम में एक खास शख्सियत जो गुजरी है उसको बोलते हैं न्या पीर शाहरुख बयजीद अंसारी। ये इस शख्स ने 120 साल मुगलों के साथ जंग किए, 120 साल। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे लिए नहायत ही काबिले एहतराम अंसारी कबीले के तमाम बुजुर्ग फैसलाबाद से जो ताल्लुक रखते हैं और फैसलाबाद से बाहर से भी जितने भी दोस्त भाई मेरे बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, मैं यहाँ पर उनको वेलकम भी करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और एक बात मैं लंबी बात नहीं करूँगा, तो आजकल इलेक्शन का दौर दौरा है और एक के साथ एक जलसा जो आगे से रात 2 बजे तक चलते रहते हैं। मैं आपको अपनी एक मिसाल देना ये चाहता हूँ कि 1985 के अंदर जब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त फैसलाबाद के अंदर जनाबे हाजी मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। कसूर से 2 हमारे MBA हाजी गुलाम साबर और एक साजिदा अंसारी साहब, नारोवाल से मौलाना साहब गयासुद्दीन साहब और उनके साथ हमारे एक और भाई वहाँ से मुंतखब हुए। गुजरावाला से उस्मान इब्राहिम अंसारी साहब, कराची से 2-3 नाम। और मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त जो हमारे बुजुर्गों ने ये एक तहरीक चलाई थी कि अंसारी इतनी अक्सरियत में है, हमें कौमी असेंबली के मेंबर, सूबाई असेंबली के मेंबर,
और मकामी सतह के ऊपर भी दोस्तों को जीतना चाहिए ताकि आपका नाम कायम उड़ान रहे। भगवान के नाम का स्कूल मिला है, यहाँ पर गरीब बच्चों और बच्चियों की तालीम होगी, इतने बड़े अखराजात नहीं होंगे, हम खुद अखराजात बर्दाश्त करेंगे, हम वालदैन थे वो अखराजात नहीं देंगे जो प्राइवेट स्कूल पे आप लोग अदा कर रहे हैं। आप लोग एक रिक्वेस्ट आ रहे कि आप लोग खुदा रहा अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कराएं, स्कूल की तादाद को बढ़ाएं ताकि हम दूसरी ब्रांच जो कि हम समुद्री रोड पे 225 रेवे हैं वहाँ पर आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ 225 रेवे पे हजरत अबू नूबर सर के नाम से दूसरी ब्रांच का इंशाल्लाह मौसम ठीक होगा वहाँ पर उम्मीद रहेंगे। और आप सब लोगों को जो मेरे कायदीन बैरून शहर से आए हैं बैरून सूबा से आए हैं उनको मैं दावत दे रहा हूँ कहाँ कोई एडमिटेशन नहीं मैं बनाऊँगा, सब लोग आज की दावत को आज इस बात को एडमिटेशन समझे और जो कायदीन है वो भी इसको एडमिटेशन समझे, डेट आप उनको फोन पे बता देंगे दोस्तों को बता देंगे। आप सब दोस्तों का तस्वीर लाने का शुक्रिया, बिरादरी का साथ दो, बिरादरी के साथ अपने मिलता बनाओ यार अड़ाई हमारे सब मुसलत है ना, चार सीटें ले जाते फैसलाबाद से हम क्यों नहीं ले जाते यार, हमें क्या तकलीफ है, मुझे वो बता दो कि हमें ये तकलीफ है कि हम सीटें नहीं निकाल सकते, इतनी बड़ी बिरादरी हो इतने बड़े नाम की बिरादरी हो अबू यूबर थानी की छोटा नाम है यार क्यों नहीं समझते आप लोग, आप इस बात को समझे ग्रुपों को छोड़ दें, ग्रुपों को छोड़ दें, हर आदमी अपनी अपनी मस्जिद पाई हुई है, हमारी एक ही मस्जिद है, हमारा एक ही किबला है अबू अय्यूबर थानी। और मियां मोहम्मद अदरीस अंसारी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी नस्ल में एक ऐसा खूबसूरत हीरा छोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الطاهر الصادق جی میں حسین رحمت پرنسپل ادارہ ہزار انصار قبیلہ سکولز حضرت ابو ایوب انصاری خدمت مراکز سب سے پہلے میں تمام پاکستان سے آئی گئی انصاری کمیونٹیز کے تمام ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی سے قیمتی ٹائم نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس تقریب میں شامل ہوئے۔ سب سے پہلے میں اپنے اسکول کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو کروانا چاہوں گا۔ انصار قبیلہ اسکولز बेसिकली स्कूल जो होगा हमारा ये प्राइमरी लेवल तक होगा, ठीक है, इसके अलावा इसमें अंसार कबीला अकेडमीज, इसमें बैचलर डिग्री तक के लिए स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाएगा और इसके अलावा इसमें अंसार कबीला नातो किरात अकेडमी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नात वसल्लम के उस्वा हसना से रोशनास करवाया जाएगा और इसके अलावा अंसार कबीला सिलाई सेंटर का अजरा किया जाएगा और अंसार कबीला फूड हब का एहतमाम किया जाएगा। जनाब ये मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश ये है कि आप इलम को अपने यानी जिंदगी का एक जरिया बना लें, जिंदगी के लिए जरूरी है कि इलम हासिल करें। अंसारी साहब इंतहाई पुरजोश और पुरआज़म शख्सियत है और हमें ये खुशी है कि ये नौजवान और इनके पास बहुत टाइम है, इंशाल्लाह ये बरादरी की खिदमत करेंगे। सुन सुन तो मैं बालाजी आपकी आप सब लोगों से जो आपने मुझे वेलकम किया है मैं इस काबिल नहीं हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेज पे जब भी
जंगली अबू बकर करीम अंसारी साहब को देखा, इसी तरह से इनकी आंखों में आंसुओं को रमा देखा। मोहब्बत और अकीदत की दास्तां है कबीले के साथ, इंसानियत के साथ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी साहब की तमाम काविशों को। हमारे पास इसी खूबसूरत पंडाल में हमारी नौजवान शख्सियत मौजूद हैं, शहबाज अहमद गुलजार अंसारी साहब। इनसे भी गुजारिश करूंगा कि तालीम के हवाले से, तालीम की अहमियत के हवाले से अंसार कबीला स्कूल्स के जो ये प्रोजेक्ट सुविधा से निकले थे आज फैसलाबाद में पहुंचे हैं। फैसलाबाद के दूसरे कोने में इंडिया भी आपको मिल गया कि वहां पे भी ये लॉन्च करेंगे, और इरादा ये टीम रखती है कि ये शहर फैसलाबाद में 10 से 15 स्कूल्स का क्याम करेगी। अमीनपुर बंगले से भी इसकी नवीद आ चुकी है कि अमीनपुर बंगले में भी ये स्कूल बनेगा, और इंशाल्लाह ताला ये स्कूलों का ये काफिला, ये जो एजुकेशन का सफर है अंसारियों की सरपरस्ती में पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। इसके लिए आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों का वो भी जरूरी है, और आप लोगों की इन प्रोजेक्ट में तवज्जो भी जरूरी है। ना ये किसी और फर्ज से है, ये आपका ऐसा है, ये हमारी इस्माइलियत का खाता है। अगर हम सब इकट्ठे होके नजर सानी करेंगे अपने इन प्रोजेक्ट्स पे तो पाकिस्तान में डंका तो बजेगा। ये अनहोनी बात नहीं है, कुछ करने से गूंज भी उठती है। आज फैसलाबाद के शहर में गूंज उठी है अंसार कबीला स्कूल्स की, तो ये गूंज मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान में जरूर फैलेगी। तो मैं गांव से खिताब देता हूँ तालीम की अहमियत के बारे में स्कूल्स की अहमियत के बारे में मेरे भाई जनाब अब्दुल अजीम काशिफ अंसारी साहब, मीर कैसर अंसारी साहब, और आज के इस प्रोग्राम के तमाम मेज़बान, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाने वाले मेरे मोहतरम, मेरे मोहसिन अंसारी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब्दुल अजीम काशिफ साहब और मीर कैसर साहब दीगर दोस्तों की बड़ी मोहब्बत और मेहनत से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो अंसार कबीला, पहले टीवी चलता था, अब माशाल्लाह अंसार कबीला स्कूल का भी आगाज़ हो चुका है। इनके ज़िम्मे जो करने वाला काम था वो रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नई काविश करके ये लोग मेरे भाई करते जा रहे हैं। अब इन लोगों के ज़िम्मे जो काम था इन्होंने कर दिया। इनकी काविशों के बारे में अलामा साहब का एक शेर अकासी करता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सनौसी ने पैगाम दिया, तू नाम और नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तर आंखें तो हो जाती है पर क्या लज़्ज़त है इस रोने में, जब खूने जिगर की अमेज़श से एक अश्क प्याज़ी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मौज होता है, गुफ्तार का गाजी बन ही गया, इकबाल का गाजी बन न सका। मेरे भाइयों, हम लोगों को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हम लोगों को किरदार के गाजी बनना चाहिए। मैं पहले की एक रवायत है चंदा मांगने वाली, मैंने उसकी पहले भी बड़ी मजम्मत की थी, अब भी करता हूँ। मैं ये अच्छा नहीं समझता, ना ही मैं चंदा मांगने के लिए खड़ा हूँ, ना मांगूंगा, ना मैं आप लोगों को कहूँगा कि इनको चंदा दें। लेकिन हौसला अफजाई के लिए आप लोग जितना भी हो सके इनके साथ किसी भी रंग में
काम करें, अपने बच्चों को इनके स्कूलों में पढ़ाएं, इनकी जिस तरह की भी हो सकता है जानी मादी खुदा की मदद करें। और आज के इस प्रोग्राम में मैं भी आप सब की मौजूदगी में इनके साथ वादा करता हूं, जैसे अंसारी साहब ने फरमाया जग नंबर 225 रेवे में अंसार कबीला स्कूल का आगाज किया जा रहा है और मेरी इनके साथ कमिटमेंट है, जिस दिन उसका इफ्तिताह होगा उस दिन मेरी तरफ से अंसार कबीला स्कूल के अंदर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, जिसमें सीनियर MBBS डॉक्टर साहिबान फ्री मरीजों का चेकअप करेंगे। सिर्फ अंसारी नहीं, कोई भी के अंसार कबीला स्कूल में हर महीने एक फिजियोथेरापिस्ट का विजिट रखा जाए, हर महीने एक साइकाट्रिस्ट का विजिट रखा जाए, हर महीने एक साइकोलॉजिस्ट का विजिट रखा जाए, डॉक्टर का विजिट रखा जाए, ताकि बच्चों की जो जिस्मानी नशोनुमा है, जहनी नशोनुमा है, उनको जांचा और मापा जाए और उनके मुताबिक इस यूनिक से सेटअप से तालीमी जो उनका खिदमत है वो की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से मेरे सब बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, भतीजों को अस्सलाम वालेकुम। मीर पाजी और अब्दुल अजीम काशिफ बड़ी मेहनत से, बड़ी मुखलसाना कोशिशों से इन सारी बरादरी के बच्चों को तलीम दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक इनको कामयाब करें। मेरी सब यहाँ बैठे सारी दोस्तों को, दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी बिरादरी में मैं ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं, पढ़िया लिखिया गलत तलीम याफ्ता लोगों ने कर लिया, मैं तुम्हें इलाके की सूरत हाल के बारे दसागा कि अपने बच्चों सारी जो मुनाफक अंसारी है ना, उन्होंने मुहासबा करो, इंशाअल्लाह ताला साड़ी बरादरी कामयाब तरीन बरादरी हो जाएगी। साड़ी बरादरी के जेडे चंद उपर बैठे हुए लोग ने वो नहीं चाहते कि साड़ी बरादरी चो होर भी कुछ सारी बच्चा अगे आ जाए। तुसी मीर भाजी अब्दुल अजीम काशिफ के स्कूलों काम करो, अपने बच्चों दाखिल कराओ। मैं भी अपनी सीट के मुताबिक जो मेरे दुमे दोस्त लाने मैं सब तो पहलों उसते बैग देवगा। अंसार कबीला स्कूल कामयाब होगा, एक बरादरी का नाम कामयाब होगा। फैसलाबाद अंसारी बरादरी कामयाब है, इन्होंने बहुत घट पैसा बच्चे पढ़ाने जेदे को ना होगा वो साढ़े वर्गे जो थोड़े जे सौखे लोग उन्होंने दस दिन भी पांच बच्चे ताे जुमे आ दस बच्चे किसी जुमे आ असी सारी जड़े आ उन्होंने जुम्मा चुकन तैयार हाँ। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी रिश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी, मन अरफा नफसा फकत अरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। जब मक्का से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी काबिशें, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल कर चुके और नहायत थोड़ी सी मिकदार, थोड़ी सी तादाद में लोग मुसलमान हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, आपके साथियों पर, मुसलमानों पर जब तकालीफ आजमाइशों के पहाड़ तोड़े गए तो अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को फरमाया मेरे महबूब यहाँ की मट्टी जरखेज नहीं, वहां चले जाइए जहां अंसारी रहते हैं, वहां जाइए जहां इस्लाम को भी तकबीयत मिलेगी, जहां आपकी मदद भी होगी, जहां आपको प्यार भी मिलेगा, जहां आप पर जान निसार करने वाले लोग भी मौजूद होंगे। मेरे नबी मदीना जाइए, और फिर मदीने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह इस्तकबाल किया, तारीख गवाह है कि वहां अंसारियों के बच्चे
उनके बेटे उनकी बेटियां इस्तकबाल के लिए सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते थे कि कब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हाजी मुजफ्फर अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने इन नौ निहालों के सरों पे इज्जत की जो पगे हैं वो डालना शुरू करें। इनके साथ अबू बकर करीम अंसारी साहब हैं, इस्माइल वफा अंसारी साहब हैं, फजलुल्लाह शाह अंसारी साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो आए। सबसे पहले मैं मुल्क में से हूँ वसीम अब्बास अंसारी साहब से, एम बी एंजल्स को ये रन कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज की तरफ आएं और अपने इन मुख्तलिफ से अपना इज्जत का एक नजराना मखसूस अंदाज में वसूल करें। बिट भाई आपकी तालियों की गूंज में वसीम अब्बास अंसारी साहब इंतहाई मुखलस अंदाज में इन्होंने अपने कबीले के इस इल्मी सफर का आगाज किया, मामनत की, मदद की, हौसला अफजाई की, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। मोहसिन अंसार कबीला पाकिस्तान एम बी स्टेशनरी के ओनर मोहम्मद नईम अंसारी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी इज्जत का ये जो हिस्सा है वो समेटें और जाते हुए अपने खूबसूरत अल्फाजात से हमें जो नवाजे। नहीं भाई आप प्लीज जरा दो मिनट सर अपने दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तमाम दोस्त अहबाब को इसका बहुत ज़्यादा अदब के साथ एहतराम के साथ तशरीफ लाने का शुक्रिया आप सबका। ये स्कूल अंसार कबीला का है, ये किसी एक फर्द का नहीं है। इस स्कूल का नाम है नफरतों को ख़त्म करना, मोहब्बतों को फ़रोग देना, जहालत को ख़त्म करना और इलम की तरवीज करना, अपनी आने वाली नस्ल को तलीम के जेवर से आशना करना, ये हमारा मकसद है। यही हमारी काविश है जिसमें कोई सियासत नहीं है, किसी किस्म की कोई ये नहीं शख्सियत परस्ती नहीं है। ये एक अंसार कबीला है, ये जो कबीला है इसमें सारी हर चीज़ वो आ जाती है जिसके लिए हमारा ये वजूद जो है वो एक पुर्जे की हैसियत रखता है। हमने मिलजुल कर काम करना है और प्यार और मोहब्बत को फ़रोग देना है, और हमारी पहचान है कि हमारी जो सारी बरादरी है ये सिर्फ एक बरादरी का नाम नहीं है, ये कुर्बानी का नाम है, सर्व करने का नाम है, दूसरों को ये एहसास देने का नाम है कि हम आपके लिए हैं। हमारी काविश यही है कि माशरे में बेहतरीन तालीमी और अपनी नई नस्ल को तालीम दें और तालीम के फ़रोग के लिए काम करें, और इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सबका मुश्तरका काम है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपकी मोहब्बतों के मशहूर हैं। इन स्कूल्स के सेटअप में एक मखसूस सा करदार नौजवान शख्सियत है, मैं जिन्हें अक्सर प्यार से बुलाता हूँ, मिठू अंसारी, शहजादा अंसारी। दो माह से ये भी मुसलसल इस सफ़र में अमली तौर पर हमारे साथ हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अपने मोहतरमीन से कि उनको भी इज्जत इज्जत की चादर से नवाजें।
حقیقت کے گھرانے سے ایک خوبصورت انصاری خاندان کا چشمہ چراغ جو کہ فارن سیٹل رہے ہیں اور آج کل پاکستان میں ہیں۔ محترم ضیاء انصاری صاحب، انہوں نے بھی اس عملی سفر میں بہت معاونت، حوصلہ افزائی اور رہنمائی فرمائی۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ علی رضا انصاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ علی رضا انصاری صاحب جو کہ امیدوار ہیں ایم این اے کے۔ میرے محترم عبدالعظیم کاشف انصاری صاحب سے درخواست ہے کہ جنہوں نے دن رات طے کیا اس سفر میں، جنہوں نے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی نہ دھوپ بارش، یہ سخت سردی کے عالم میں پل پل لمحہ لمحہ اس سکول کی کاوش میں یہ میرے ساتھ رہے ہیں۔ آپ دوستوں کی تالیوں کی گونج میں عبدالعظیم کاشف انصاری صاحب۔ کھانا بھی ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن آپ کی نظریں اور سماعت اسٹیج کی جانب ہونی چاہیے تاکہ ان اراکین کی حوصلہ افزائی آپ کی صورت میں ہو۔ قبیلے کے ہونہار ساتھی، ہونہار جو جنونی آدمی ہیں، حاجی طارق حسن انصاری صاحب، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی عزت کی اس چادر کو محبت سے سمیٹیں۔ پکارا سے تعلق رکھنے والی ہماری انتہائی نفیس شخصیت اللہ دیتا انصاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی چند پل ہمیں عطا کریں اور اپنی محبتوں کو، اپنی قبیلے سے محبتوں کو وہ بھی سمیٹیں۔ محمد موسیٰ انصاری صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں فیض اللہ شاہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جنوبی وزیرستان سے آج کی اس محفل کے لیے سفر کیا۔ میں اپنے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو عزت کا تھوڑا سا حصہ ہے ان کے سر پہ پاکستان، میں اس سے گزارش کروں گا کہ اپنے تمام ان بڑوں کے پاس آئے تاکہ اس کو یاد رہے ہر ہر وہ لمحہ، ہر ہر وہ بات کہ اس نے جو چھوٹی عمر میں اپنے بڑوں سے جو محبت ملی، جو عزت ملی، جو آنند ملی، وہ بھی اس کو یاد رہے تاکہ یہ ایک پکا انصاری بن سکے۔ انہوں نے شہر چمنڈا سے سفر کیا، فیصل آباد آئے، انہوں نے کوشش کی اور آج یہ بزم سجی۔ آج فیصل آباد میں ایک انسان کا سکول کا نام نمودار ہوا، ایک وجود پیدا ہوا۔ میں جناب
جناب میر پاجی صاحب سے گزارش کروں گا وہ میر پاجی صاحب کے لیے تالیاں ان کی کاوش کا میں فیصل آباد کی طرف سے ایک دم شکر ہوں کہ انہوں نے اس انداز میں یہ کوشش کی ہے یہ قابل تحسین ہے امیدوار ہیں برائے ایم ایل اے این اے 101 سے پلیز میر پاجی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو انصاری گریجویٹس ویلفیئر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی اس وقت چند ہی لوگ تھے جو کہ انصاری پہچانے جاتے تھے لیکن انہوں نے حوصلہ بنایا کہ یار جدھر جدھر کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی بینکر کوئی وکیل کوئی جج انصاری ہے وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ طریقے سے دکھائے